नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहेवियरल इकोलॉजी में पीकॉक के डांस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये डांस किस प्रकार का बिहेवियर है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। बिहेवियरल इकोलॉजी इज द इमर्जिंग ब्रांच ऑफ इथोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 26 जनवरी 1963 को नेशनल बर्ड का दर्जा दिया। दोस्तों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि आमेट बस स्टैंड राजसमंद से शूट किया गया है। इसको आप लोग अच्छे से देखना। दिस वीडियो इज शूटेड बाई मोहन जोशी फ्रॉम राजसमंद। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार पीकॉक आवाज लगा रहा है, साथ ही साथ डांस भी किए जा रहा है। दोस्तों, मेटिंग करने के लिए ये डांस और आवाज लगाता है अपनी फीमेल पार्टनर को आकर्षित करने के लिए। दोस्तों, इंडिया में एक डांस फेमस है मयूर नृत्य, जो कि यूपी में किया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को बताता है, बहुत ही फेमस नृत्य है। दोस्तों, दिस पिक्चर इज शोइंग दैट हाउ पीकॉक हैज कम नियर टू द पीहेन फॉर सक्सेसफुल मेटिंग। पीहेन फीमेल पार्टनर को कहा जाता है। ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को बता रहा है। इसका किंगडम एनिमेलिया होता है, फाइलम कोर्डेटा, क्लास एवीज, ऑर्डर गैलीफॉर्म्स, फैमिली फेसियानिडी, जीनस पावो, स्पीसीज क्रिस्टेटस। लीनियस ने इसका नामकरण किया था पावो क्रिस्टेटस। पीकॉक इज ओमनीवरस। ओमनीवरस का क्या मतलब होता है? ओमनीवरस का मतलब होता है यह प्लांट और जंतु दोनों का भोजन कर सकता है, दोनों को भोजन के लिए यूज कर सकता है। प्लांट में ये सीड फ्रूट को खाता है और एनिमल के अंदर ये कीट, टर्माइट, स्नेक का भक्षण करता है। दोस्तों, एक छोटे से लफ्ज के साथ इस वीडियो को मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। पक्षी भी कितने खास होते हैं, इनके भी गजब के अल्फाज होते हैं। पक्षी भी कितने खास होते हैं, इनके भी गजब के अल्फाज होते हैं। शब्द नहीं तो क्या इनके भी जज्बात होते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू।